नमस्कार। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे देते हैं, जो स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए निकल के सामने आ रही। स्कूल कॉलेज के लिए काफी लंबे वक्त से छात्र इंतजार कर रहे थे कि फाइनल जुलाई के अंदर स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे, क्योंकि अब दूसरी लहर का कहर कमजोर हो चुका है और देश में अब केस भी कम आने लगे और इसी के चलते कई सारे राज्यों ने अनलॉक की प्रक्रिया अपना दी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, सरकार ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल जुलाई के अंदर स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। ऐसा इसलिए कि जो तीसरी लहर है उसको लेकर वैज्ञानिक और एक्सपर्ट है, उन्होंने आगाह कर दिया कि तीसरी लहर बच्चों के लिए सबसे ज्यादा घातक होगी। इसके चलते सरकार ने ऐलान कर दिया कि इन राज्यों में फिलहाल जुलाई के अंदर स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। और इसके अलावा डेल्टा प्लस वायरस के भी कई सारे मामले मिलने लगे, जिससे सरकार में हडकंप मच गया है। इसके चलते सबसे बड़ा ऐलान कर दिया कि फिलहाल स्कूल कॉलेज अभी नहीं खोले जाएंगे। किन राज्यों में नहीं खोले जाएंगे इसकी अपडेट हम आपको इस वीडियो में देने वाले, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, तो इंदर सिंह परमार ने यह कह दिया और आदेश जारी कर दिया कि फिलहाल मध्य प्रदेश में भी जुलाई में स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। हालांकि पहले कहा था कि जुलाई में स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे, लेकिन अब डेल्टा प्लस वायरस के मामले बहुत ही ज्यादा मध्य प्रदेश में मिलने लगे, इसके चलते अभी फिलहाल स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि फिलहाल अभी जुलाई के अंदर स्कूल को नहीं खोला जाएगा। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने कहा कि जब तक बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक स्कूल कॉलेज है वो फिलहाल नहीं खोले जाएंगे। आपसे पता होगा फिलहाल अभी तक वैक्सीन नहीं आ पाई है। इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी ऐलान कर दिया फिलहाल स्कूल नहीं खोला जाएगा। इसके अलावा हरियाणा में फिलहाल अभी 10 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिए गए, इसके चलते फिलहाल स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। तो साथियों ये 5-6 राज्य जहां पर फिलहाल अभी स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। इसके अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में फिलहाल स्कूल कॉलेज अभी नहीं खोले जाएंगे। और महाराष्ट्र सरकार का तो ये कहना है कि फिलहाल यहाँ पे बिल्कुल भी फैसला नहीं हो सकता कि स्कूल कॉलेज कब खोले जाएंगे, क्योंकि तीसरी लहर का सबसे पहले जो केस है वो महाराष्ट्र में मिलने की आशंका जताई जा रही है। तो फिलहाल अभी स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। इस पर आपसे फिलहाल क्या रही है, क्या सरकार जो फैसला ले रही है वो सही है फिर नहीं है, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही आप अपने राज्य का नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि आपके राज्य जुड़ी जब भी कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद।